अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अरे भाई तुम दोनों ने तो चौड़ा कर दिया हमारा कलेजा। कसम से यार भैया, जलवा कर दिया तुमने। अब जडेजा की गेंदबाजी, कुलदीप की धार और वेस्ट इंडीज वालों की हो गई इन दोनों की वजह से हार। अब मजा दिला दिया भैया तुम लोगों ने। अबे कोहली भाई, गेंदबाजों ने तो मजा दिला दिया लेकिन भैया बल्लेबाजों ने बेइज्जती करा दी। अबे भाई ऐसा मजा किस भाव का रहेगा। अबे बताओ इतना लो स्कोर, बताओ ये ओपनिंग वाले नहीं जिता पाए भैया, हमको भी बल्लेबाजी करने के लिए जाना पड़ा। हम सोच रहे थे भैया हम बल्लेबाजी करने नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमारे खिलाड़ी ही लोल हो गए तो जाना ही पड़ेगा ना बेबसी में। अबे रोहित भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे भैया हमारा नाम नहीं लेना। अबे भैया अपने तो अलग ही जलवे हैं, लेकिन भैया वो IPL वाले खिलाड़ी लोल हो गए, हार्दिक पांड्या, सुमन गिल। अब भैया इनसे कुछ ना होता जाता, हम तो ये कहते हैं सुमन गिल खेल लेता आराम से तो बढ़िया हम दोनों ही मैच जिता देते, लेकिन भैया वो भी लोल हो गया, फिर क्या ही कर सकते, हम भी प्रेशर में आके आउट हो गए। अबे जो भी जैसा भी खेला कोई बात ना है, लेकिन भैया हम तो ये सोच रहे इसमें भी बेइज्जती होती है। अबे बताओ 50 ओवरों के मैच में हमने एकदम लुल बना दिया वेस्ट इंडीज वालों को और तुम लोग एकदम 10 ओवरों में खत्म ना कर पाए, और भैया बताओ 5-5 विकेट खुद की करवा ली। अबे ये कोई बल्लेबाजी है तुम्हारी? अब बात कर रहे हो गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में तो भैया देख ही रहे हो तुम हमारा जलवा, रविंद्र जडेजा भाई की गेंदबाजी, हमारी गेंदबाजी और भैया बल्लेबाजी। अबे रोहित भाई समझाओ, टीम को चेंज करो भैया, इनसे बढ़िया तो वो लौंडा खेल रहा था जयसवाल। हाँ सही कह रहे हो कुलदीप यादव। अबे भैया जयसवाल जरूर बढ़िया खेला, कसम से यार भैया उसने टेस्ट में भी बढ़िया खेला दोनों मैचों में, और भैया वो यहाँ भी जलवा दिखाता, लेकिन क्या करे उसको यहाँ टीम में ही ना रखा। अबे रोहित भाई, अबे इनको बाहर करो ये शुभमन गिल को, अबे इनसे कुछ ना होने जाने का भैया, इनको टेस्ट में खिलाया वहाँ भी लुल हो गए और यहाँ वनडे में भी लुल हो गए। अबे भैया हमको तो ऐसा लग रहा है ये ना कुछ भी उखाड़ पाएंगे, इनकी तो बस अब बातें रह गई हैं और बस ये IPL के खिलाड़ी बचे हैं, बाकी इनसे कुछ ना होना जाना। अबे जब वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ कुछ ना कर पा रहे भैया, तो ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों के खिलाफ क्या ही उखाड़ पाएंगे। हाँ जडेजा भाई तुम बात तो सही कह रहे हो भैया। अबे भाई देखना, अब ये वेस्ट इंडीज का वनडे खत्म होने दो, फिर देखो जयसवाल को लाएंगे और सुमन गिल को भगाएंगे। अबे हमको दिख गया भैया इनसे कुछ ना होना जाना, ये तो बस IPL के खिलाड़ी हैं। अबे बताओ इतना बड़ा कोई लुल खिलाड़ी होता है? अबे लगातार लुल होते जा रहे हैं, अब ये बन रहे हैं भैया 2-4 मैच खेल के विराट कोहली। अरे विराट कोहली का तो पुराना जलवा था भैया, 2 साल लुल रहे, 3 साल लुल रहे, फिर भी मौका मिलेगा टीम में, लेकिन भैया विराट कोहली का आज के टाइम पर तो जलवा है ना, और इनका जलवा ना हो पाएगा हमको ना लग रहा है इनका बिल्कुल भी उम्मीद। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो रोहित भाई। अब भैया हम हैं गाड़ी फोड़ और हमारी नहीं कर पाएगा कोई भी होड़। अबे भैया हमारी होड़ के लिए ये लुल हो रहे हैं, तो भले ही छोड़ दे भैया, टीम इंडिया से एकदम लुल हो जाएंगे, और हमारा तो अलग ही जलवा है, हम तो कप्तान थे टीम इंडिया के, बल्लेबाजी भी करी हमने बढ़िया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए और आज के टाइम पर भी जलवा दिखा रहे हैं। अब हम तो इसीलिए ना आए बैटिंग करने, हम देख रहे थे भैया नए लौंडों को मौका देना चाहिए, लेकिन नए लौंडा अब भैया ये ना चला पाएंगे बिल्कुल भी हीरो होंडा। हम तो ये कहते भैया इनको हटाओ और इनसे बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी लेके आओ, ऐसे ना जीत पाएंगे हम वर्ल्ड कप। अभी ये वनडे में लुल होते जा रहे भैया, वर्ल्ड कप में तो एकदम पहाटा कर देंगे भैया, एकदम लुल बना देंगे पूरी टीम को।